1.5 प्रजातीकरण स्पेसिएशन 1.5.1 अनुकूलन और प्रजातीकरण अडाप्टेशन एंड स्पेसिएशन। जैसा कि हमने पढ़ा है, फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन अडाप्टेशन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? सोचकर बताएं कि कुटुमसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच के एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातीकरण स्पेशिएशन कहा जाता है।